फील्डिंग साइड के फैंस जो पहले समोसे खा रहे थे ना, वो अभी नाखून चबा रहे हैं। तो मिस्टर आरव, इस सिचुएशन पे आपका क्या रिएक्शन है? प्लीज बताइए। आप दीदी समोसे खाइए, शेयर जीता। जीतेगी तो टीम अनंतिता। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, फील्डिंग साइड लगता है कोई रणनीति बना रही है, पर क्या उनकी रणनीति काम करेगी? और जल्दी में था क्या, पानी बांध लेता। रुक बेटा, तेरे को मैं बाद में देखता हूँ। तो अब जीत के रह गए पूरे 10 रन और क्रीज पर है दुनिया की सबसे बेस्ट मिस्टर एंड मिसेस अहूजा, जो कि मेरे मामा पापा भी हैं और मेरे भी। राम विल गो। राम, तुम वहां क्या कर रहे हो? जगह पे जाओ। फाइल, 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 फाइल। फाइल। वेरी गुड अनु, ऐसे ही चौके मारते रहना, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। क्या बात है, औरत पर खेलती धोनी जैसा। अरे हमारी कॉलोनी की बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है, बताओ इसे देखकर कोई बता सकता है कि 2 साल पहले इसे कीमोथेरेपी हुई थी? क्या अनुबेन को कैंसर है? है नहीं, था। और आप नए हो ना, इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं पता। बस बस बस, ओनली वन रन। क्या कर रहे हो राम, 2 रन आराम से हो सकते थे। अरे कहाँ 2 रन हो सकते हैं यार, फील्डर के हाथ पे बॉल है, मैं आउट हो जाता। आउट होना होता तो मैं होती ना, डेंजर एंड पे मैं जा रही हूँ राम। बॉल पे बॉल वेस्ट हो रही है, अच्छे से खेलो। मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, दौड़ने के बीच में तुम्हारी एक टोन जो आ जाती है। ए, दी, तुम सबके सामने मेरी टोन के बारे में बात मत क्या करो यार। शॉट खेलो तुम। कमाल, अनंदिता बहन की फिटनेस को देख के लगता ही नहीं कि इनको कभी कैंसर भी था। राम, अच्छी तरह शॉट मारो ना, बॉल पे बॉल वेस्ट करे जा रहे हो। क्या नौसिखियों की तरह खेल रहे हो? ए, नौसिखिया किसको बोला? तुमको बोला, नौसिखिया नौसिखिया नौसिखिया। तुम ना पहले तुम के बारे में बात करते हो सबके सामने, आप नौसिखिया बोल रहे हो, तो मजाक समझ के रखा है क्या? मम्मा भी ना कुछ भी बोल देती है पापा को। तो क्या गलत बोला मम्मा ने, इतने हलवा बॉल वेस्ट कर दिया पापा ने। ए, मेरे पापा के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोला, he knows how to play। और अभी मेरी मम्मा के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलो, she also knows how to play। देखो आरव, पिच पे वहाँ माँ बाप लड़ रहे हैं और पिच के भारी बच्चे। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम कल से ना मुझे ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, राम भाई, अनुबेन, क्या कर रहे हो आप लोग? एक ही टीम में हो के दोनों लड़ रहे हो आप, अरे थोड़ा मैच पे ध्यान दीजिए ना। अरे क्या फायदा ध्यान देने का, सारे रन तो मैडम बना रही है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ ना। क्यों सारे नहीं, तो तुमसे ज्यादा तो रन बनाए हैं मैंने। अनुबेन, वैसे राम भाई ने 23 रन बनाए हैं और आपने 22। अब बोलो। कोई बात नहीं मामा, 4 बॉल पर 5 रन बचे, 1 सिक्स मार दो और पापा से ज्यादा रन बना दो। अबे तू, हेलो, मामा 6 क्यों मारेंगे, पापा 6 मारेंगे। मम्मी के टेक्निक्स का आपको पता नहीं है, पापा की पावर फील्ड का तुझे अंदाजा नहीं है, ज्यादा मत बोलो। के अरे एक सेकंड एक सेकंड, तुम दोनों चुप करो, इधर आओ। आप दोनों का खत्म हुआ नहीं, इन दोनों का शुरू हो जाता है, जल्दी जल्दी मैच खत्म करो ना यार। ज्यादा रन मैंने बनाए, जाओ। Down!
यार एक बॉल पे दो रन बचे हैं, भूल के भी चौका मत पड़वा देना। तोड़ दे इन दोनों की पार्टनरशिप को। कैप्टन पटेल, मम्मा पापा की पार्टनरशिप कोई नहीं तोड़ सकता। श्योर? क्या इंटरेस्टिंग मोड आ गया इस मैच में। टीम अनंतिता को एक बॉल पर सिर्फ दो रन चाहिए। भाई ऑल द बेस्ट। गो पापा, हिट फॉर फोर, यू कैन डू इट। अनु, अनु, मामा, आंखें खोलो मामा। अनु, अरे पानी लाओ कोई, पानी लाओ कोई। मामा आंखें खोलो पापा। पापा क्या हुआ मामा को? मामा क्या हुआ? अनु, कोई प्लीज पानी लाइए। मामा, अनु, अनु। ऐसे कैसे बेहोश हो गई? अब कैंसर का पेशेंट इस तरह से भरी धूप में खेलेगा तो? अब तक दिमाग तो ठीक है, तो सोच समझ के बात करिए ना। हमेशा अपनी मनमानी होती है इस घर में, किसी और की बात तो कभी सुनी नहीं सकती ना। क्या जरूरत थी खेलने की अगर वीकनेस हो रही थी? पूछा भी था मैंने, पूछा था कि नहीं पूछा था? लो पानी तो पी लो। हाँ पूछा था राम, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो अच्छी भली तो हूँ। एक्चुअली तुम्हारे पापा ना इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि वो हमसे जीत नहीं पाए। अरे भाड़ में गया मैच यार, क्या जीत नहीं पाए। अनु तुम ये बताओ कि हुआ क्या था? What is the problem? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं पापा, आपको पता है जब मम्मा कल बाहर से आई थी ना, तब ऐसी हालत में थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और मम्मी का चेहरा भी उतरा हुआ। मम्मा, अनु सब दिख रहा है मुझे, बोलने दो इसे। बोल दिशा। पापा वो तीन चंद से मम्मा कहाँ जाती है और जब हम स्कूल से लौटते उसके बाद ही वापस आती है मम्मा। अनु ये किस क्या है, कहाँ जाती हो तुम? अफेयर चल रहा है मेरा, बताओ और बताओ। राम कम ऑन, अब मैं तुम्हें पल पल का हिसाब दूंगी क्या? मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ? डोंट बी अ डोमिनेटिंग हस्बैंड। हाँ तुम साफ साफ बता सकती हो कि बात क्या है, कहाँ क्या हो क्या रहा है यार? राम तुम खामखा बात को बढ़ा रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा मम्मी ने ना एक ब्लू पॉली बैग में कल ना कुछ छुपा के लाया था, पता नहीं उसमें क्या था, मैंने चोरी छुपके से देख लिया।
अपने बेडरूम में जो कबाट है ना उधर है। राम, राम मेरी बात सुनो, बात का इश्यू मत बनाओ, कुछ भी नहीं है, प्लीज हटो। ले गई थी। तुम दोनों बाहर जाओ। मम्मा लेकिन किस टेस्ट की बात? दोनों बाहर जाओ, आरफ को लेके। बात क्या है? मैंने कहा आरफ को लेके बाहर जाओ। मम्मा लेकिन बता, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आरफ को बाहर लेके जाओ। मम्मा क्या हुआ? छोड़ दो इसे, टेस्ट नॉर्मल ही है राम। नॉर्मल ही है तो फिर छुपाने की क्या जरूरत? मैं छुपा नहीं रही थी, मौका ढूंढ रही थी तुम्हें बताने के लिए। हेलो। हेलो, हाय भाभी, कैसे हो आप? अच्छा राम को जरा फोन देना, शाम की रिकॉर्डिंग के बारे में बात करनी है। हेलो भाभी। हाँ एक मिनट, हरीश भाई का फोन है, आज शाम की रिकॉर्डिंग के लिए बता रहे हैं कुछ। उसे कहते हैं आपके नहीं आ पाऊंगा मैं। अब आगे क्या साहिफ? राम हमें कीमोथेरेपी फिर से शुरू करनी होगी। दो साल पहले जो कुछ किया था, एवरी स्टेज एवरी प्रोसेस हमें फिर से करना होगा। तुम अनु बहन को कल ही कैंसर हॉस्पिटल लेके जाओ और बाकी के सारे चेकअप्स कराओ। तुझे क्या लगता है, अनु ठीक हो सकती? रिलैप्स बहुत ही सीरियस इशू है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। डॉक्टर कोई भगवान तो नहीं होता ना? इतने सारे कपड़े हो गए। दिशा वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ, गंदे कपड़े हैं तो दे दे। थैंक्स मम्मा, मैं खुद धो लूंगी। एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। अरे वाह, पढ़ाकू तो तू पहले से ही थी, लेकिन उसके साथ साथ कामकाजी और इतनी तमीजदार। वाह, लगता है मेरी बेटी बड़ी हो रही है ना? पापा ऐसे कुछ नहीं है दीदी, इसलिए मुंह फुलाकर बैठी है क्योंकि आपने उसे डांटा था ना उसके लिए। ओ, तो मेरी लाडो मुझसे गुस्सा है क्यों? अरे
मम्मी की सॉरी, देखो कान पकड़े मैंने। आरव, ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। मम्मा, मुझे दीदी को हंसाने की ट्रिक पता है। मुझे भी पता है। संभाल के बेटा। अच्छा पापा, आप कहाँ गए थे और उन रिपोर्ट्स में क्या था? गाजर का हलवा था उस रिपोर्ट्स में। तुम बात का इशू क्यों बना रही हो? पहले तुम्हारे पापा ने मुंह फुला लिया, अब तुम संडे बर्बाद कर दिया यार। एंड संडे इज अ फन डे। यस, तो संडे फंडे पे एक गाजर का हलवा हो जाए। राम, गाजर का हलवा। यस, संडे इज अ फंडे एंड गाजर का हलवा। सुपर, तो मैं जाके गाजर का हलवा बनाती हूँ। मामा, एक क्या उन रिपोर्ट्स में जो पापा इतने परेशान थे? बेटा कुछ नहीं है इन रिपोर्ट्स में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इतनी कड़क धूप में कोई भी क्रिकेट खेलेगा तो थकान तो होगी ना, चक्कर आना तो अलाउड है यार। और मैंने तो बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की, दो तीन कैच भी पकड़े, तो चक्कर तो आ ही जाएगा ना। डोंट वरी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। गाजर का हलवा मैं जाके बनाती हूँ। राम, अब आप तो एक विलन की तरह मेरा रास्ता रोक के खड़े हो। अब तुमसे ज्यादा रन्स बना लिए तो ट्रीट नहीं मांगोगे? एक ज्यादा रन मेरे से ज्यादा बनाया था, ओके? और एक रन बनाने से कुछ होता तो है नहीं। एक भी बनाया था तो तुमसे तो ऊपर हूं ना मैं। मैं एक और रन बनाने वाला था, लेकिन वो तुमने वो बेहोश होने का नाटक किया, इसलिए मैं रन बना नहीं सका। ओह गॉड, आप लोग भी ना टोटल फिल्मी हो। ड्रामा करते हो आप दोनों और जान हम दोनों की निकल जाती है। हां मम्मा पापा, हमारी जान निकल गई और मम्मी अभी तक गाजर का हलवा भी नहीं बनाई। जा रही हूँ, जा रही हूँ। आप जल्दी से गाजर का हलवा बनाओ, मेरे हम पे जान आ रही है। जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने। अच्छा राम, हरीश भाई को मैंने फोन कर दिया है, उनसे कह दिया है आज शाम को तुम रिकॉर्डिंग पर जा रहे हो। प्लीज, मैं ना नहीं सुनने वाली। आरव, पापा को जाके वायलिन दो। ओके मम्मा, मैं अभी गया और अभी आया। मुझे नहीं प्रैक्टिस करनी। प्लीज राम, प्रैक्टिस कर लो प्लीज। दिशा, तुम जाके गुप्ता आंटी से मिक्सर लेकर आओ, गाजर कसनी है। ओके मम्मा। राम प्लीज सोफे पर ना, मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें मशीन में डाल दो प्लीज। क्या हो? उन मशीनों के बीच मेरी हर सांस, हर धड़कन यही कहेगी कि मैं मरने वाली हूँ। और डॉक्टर्स के चेहरे पर क्या लिखा होगा? साफ साफ लिखा होगा कि मेरी बीमारी का कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो फिर भी तुमसे कहेंगे कि हम कोशिश करें। कम ऑन प्लीज, तुम मेरे लिए कहाँ कहाँ नहीं गए? मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब जगह जाके तुमने माथे टेके, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना, शुभ ही नहीं हो सकता। अनु तुम क्या? प्लीज राम प्लीज, मुझे मरने से पहले लाश नहीं बनना, मरने से पहले मुझे लाश मत बना। मेरी जितनी जिंदगी बची हुई है ना, प्लीज मुझे खुशी खुशी जीने दो प्लीज। व्हाट इज रॉन्ग? पापा, आरव आ रहा है बच्चों के सामने, नोएदासी का माहौल। पापा ये रहा आपका वायलिन। अबे यार, तू म्यूजिशियन का बेटा होके इतना बेसुरा बजाएगा?
तुझे तो विलाप और आलाप के बारे में भी पता होना चाहिए। मम्मा ये विलाप क्या होता है? अब विलाप मतलब गाजर का हलवा। और आलाप? आलाप माने और भी ज्यादा गाजर का हलवा। तो मुझे आलाप ही देना, विलाप से मेरा कुछ काम नहीं बनने वाला। अबे आलाप के बच्चे पहले मम्मा को बना लेते, उसके बाद खाएंगे। अभी भर चलते। गाजर का हलवा। मम्मा ये आलाप है कि विलाप? ये विलाप जैसा क्यों लग रहा है? इतने सारे गाजर का इतना सा हलवा, बस? गाजर का हलवा है दाल चावल नहीं जो पेट भर के खाया जाए। पागल, इतना सा थोड़ा हम सब कैसे खाएंगे? हमारा पेट कैसा भरेगा? बिल्कुल भरेगा। ऐसे टाइम पे पापा क्या कहते हैं? हाँ वो कम है तो क्या गम है, जितना है उसमें दम है। मूंगफली ले लो, मूंगफली गरमा गरम, मूंगफली ले लो, मूंगफली गरमा गरम, मूंगफली ले लो, मूंगफली गरमा गरम, मूंगफली। आप मूंगफली लेंगे? नहीं भाई साहब, थैंक यू। मूंगफली ले लो, मूंगफली गरमा गरम, मूंगफली ले लो, गरमा गरम, मूंगफली। अनु कल जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना, हम कैंसर हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारे बाकी के टेस्ट करवाने हैं, अभी कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। राम, आजकल की फिल्मों पर तुमने कभी गौर किया? कैसी घिसपिटी बनती जा रही है ना। फिल्म्स वो होती थी फुल ऑफ रोमांस, जैसे कि मैंने प्यार किया। जब मैंने प्यार किया देखी थी ना, तो मुझे लगा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। बस करो यार, तुम इतनी सीरियस बातें कर रहा हूँ मैं और तुम फिल्मी बातें कर रहे हो यार। राम तुम ना एक बहुत ही अनरोमांटिक हस्बैंड बनते जा रहे हो। अरे डॉक्टर बाटली वाला कह चुके हैं मैटर इज सीरियस। आई नो इट्स सीरियस, इसीलिए मैं फिर से झेलना नहीं चाह रही। व्हाट डज दैट मीन यार, तुम इलाज नहीं करवाओगी? राम 2 साल पहले इलाज करवाया था ना, क्या हुआ? मैं ठीक हुई? कुछ भी नहीं हुआ। राम तुम्हें पता है वो हॉस्पिटल में ना कीमोथेरेपी की बूंद बूंद मेरे शरीर को पिघला देती है, और ऊपर से ये झड़ते बाल, उफ। राम पल पल ना मौत का डर लगा रहता है। बस अब मुझसे और नहीं होगा। राम हमने हमारी पूरी सेविंग मेरे इलाज पर लगा दी है। तुम्हें पता है हमने खाते में सिर्फ निकाला है, डाला कुछ नहीं है उसमें। हम ये कब तक चलेगा? कब तक हम यही करते रहेंगे? और इसके बीच तुम्हें कितने सारे ऑफर्स आए रिकॉर्डिंग के, तुमने लिए सारे ऑफर्स ठुकरा दिए तुमने मेरे लिए। पिछले साल ना वो हिट गाना तुम्हारा होता, उस डीवीडी पर तुम्हारा नाम होता है सिंगर एंड कंपोजर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। राम राम ये कब तक चलेगा? प्लीज मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी बीमारी ना एक जोक बनकर हमारी सारी खुशियों को चूस रही है। बस अब और नहीं, अब मैं अपनी बीमारी को बताऊंगी कि मैं तुम्हें चैलेंज करूं। कब तक मेरे बच्चों का फ्यूचर, तुम्हारा करियर हम ऐसी दांव पर लगाते रहेंगे? अगर शर्त यही है ना तो मैं जीना ही नहीं चाहती। साहब मूंगफली ले लो ना, साहब ले लो ना, गर्मा गर्म एकदम। अरे बोला ना नहीं चाहिए, जाओ यार तुम। अरे राम तुम उस पे क्यों भड़क रहे हो? क्या यार? नहीं चाहिए भैया, सॉरी। तुम चाहती क्या हो? तुम चाहती हो कि मैं कुछ नहीं करूं, हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूं, तुम्हें मरते हुए देखूं मैं? सिचुएशन तुम्हारी सारी जिंदगी की है यार, समझते क्यों नहीं हो तुम? सिचुएशन पूरी मेरी जिंदगी की है, इसीलिए तो मुझे समझ में आ रहा है। राम मैं अपनी बची कुची जिंदगी ना जिंदा दिल होके जीना चाहती हूँ। मुझे अपनी बची कुची जिंदगी एक बोरिंग ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, डिप्रेसिंग फिल्म नहीं बनानी। अच्छा मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात मानोगे? मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम मेरे लिए करोगे ना? अरे कोई शक है क्या? एक मिनट, कहाँ जा रही हो?
क्या है? पकड़ो ऐसे। अरे क्या कर रही हो तुम? मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना? हाँ तो चलो मूंगफली बेच के बताओ क्या। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.